ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 2000 ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੈਰੀ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਮੌਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे पंजाबी का बहुत बहुत वेलकम। येस, वी आर हेयर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द वेरी रिनॉन्ड सिंगर, एक्टर, सॉन्ग राइटर ऑफ आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री, मिस्टर निशान भुल्लर जी, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स दे चुके हैं, मूवीज दे चुके हैं, और अभी उनकी एक और मूवी वो लेके आ रहे हैं 23 अगस्त को। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, वे आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो अब आपसे कुछ भी पूछने से पहले हम चाहते हैं एक अच्छा सा गाना हो जाए पहले। हाँ जी, हाँ जी। हो बारले में कई मोड़ते, हो बारले में कई मोड़ते, साख सिरे दिया नारा दे, हो दारू दे शकीन मुड़ तो नाले महंगिया कारा दे, हो वैली तेरा यार सोनिए भुखे समझी ना हटा दे, तेरे जिया रोज रब तो नी, तेरे जिया रोज रब तो साख मंग दिया जटा दे। सर इतना अच्छा आपने स्टार्टिंग की, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, बेसिकली क्या हैं आप? एक्टर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, सिंगर हैं, तो आप अपने आप को किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे? आप बेसिकली किस फील्ड से अटैच्ड हैं और किस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं? बेसिकली ये तीनों फील्ड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और क्योंकि मेरी पहचान जो सिंगिंग है और गाने के कारण ही मुझे सभी पहचानते हैं, तो मैं अपने आप को सिंगर मानता हूँ और सिंगर ही पहचाना जाना चाहता हूँ मैं। कितना टाइम हो गया सिंगिंग लाइन में आपको आए हुए? 7-8 साल हो गए ऑलमोस्ट। 7-8 साल। तो एक्टिंग का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? तो क्या है कि हर एक इंसान में संगीत भी होता है और हर एक इंसान में अदाकारी भी होती है, एक्टिंग भी होती है, और कुछ जब आपको कुछ मौका मिलता है कुछ करने का, कुछ भी करने का, और मतलब जैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता, तो मुझे कुछ पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो फिर मैं करता हूँ। जैसे मैंने नाबर की थी, उसको नेशनल अवार्ड मिला था, तो फिर उसके बाद में मैंने सिकंदर में गेस्ट रोल किया था, फिर उसके बाद मैंने वेब सीरीज की थी गैंगरेन इन मदरलैंड, तो उसको बहुत अप्रिशिएशन मिली थी, और फिर ये अभी जो मिट्टी विरासत बबरान जो 23 अगस्त को रिलीज़ होने जा रही है, तो इसका मतलब, और हर जो मूवी का करेक्टर था वो अपने आप से अलग था और मुझे अच्छा लगता था, और जब ये मैंने स्टोरी सुनी, इसकी कहानी मैंने सुनी, तो मुझे इतना लगा कि मुझे ये करना चाहिए, और क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ना तो रोज़ रोज़ बनती हैं और ना ही मतलब ऐसे किरदार आपको बार बार निभाने का मौका मिलता है, तो करके फिर जदों मैंने सुनिया, और एक जो कोई भी चीज़ थोड़े स्ट्राइक करे ना एकदम टक करके, है ना, तो वो कर लेनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि आप थोड़े चूजी हैं, एक अच्छा कंसेप्ट आपको मिलता है तभी आप वर्क करना चाहते हैं उस चीज़ में। तो इस मूवी में आपका किस टाइप का करेक्टर या किस टाइप का म्यूजिक आपने दिया इस मूवी को? मैंने गाना तो इसमें कोई नहीं गाया, और करेक्टर मेरा युवराज एंड युवराज का करेक्टर है, एंड बब्बर दिलीप सिंह का करेक्टर है, और बात ये नहीं कि भी मैं अच्छा चूज करता हूँ या कुछ भी है, बेसिकली जो भी इंसान काम करता है वो अच्छा समझ के ही करता है, बट आपकी एक चॉइस होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। सभी अच्छा करते हैं, जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, और जिसको जिन्हों रब ने रोजी रोटी देती है, जिन्हों परमात्मा ने कोई भी जॉब देती है, वो जो बंदा कर रहा है वो वधिया ही कर रहा है, और जिहड़ा मेरा किरदार है वो मेरे वर्गा ही है बेसिकली, जिहड़ा फिल्म दे विच किरदार है, तो वो मैनूं बहुत ईजी रहा, मैनूं निभाउणा भी बहुत सौखा रहा। किस टाइप की मूवी है और कैसे हम कह सकते हैं कि लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है? क्योंकि वक्री है, वक्री इन द सेंस सारा कुछ ही है, एक असी कोई फिल्म क्यों देखने जाने, असी फिल्म तां देखने जाने हैं कि सानू फिल्म एंटरटेन करे, और सानू मतलब जिहड़े 2 घंटे है वो 2 घंटे फिल्म एक नवी दुनिया दे विच लैके जाए, सानू एक नवी जर्नी ते लैके जाए, तो वो सारिया चीज़ा इस फिल्म दे विच हैगियां ने। एक अपीलिंग सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि आप इस मूवी में आ रहे हैं, और होपफुली ये मूवी जैसे पहले मिट्टी मूवी आई थी तो बहुत तो लोगों ने अप्रिशिएट किया था, फिर से ये मूवी आ रही है, तो आप कैसे अपीलिंग मैसेज देंगे यहाँ के व्यूवर्स को कि इस मूवी को वो देखने ज़रूर जाएं और ऐसे ही इतना प्यार दें जैसे उन्होंने पहले मूवी को दिया था?
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹਨੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਫਿਲਮਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟਿਸਟ ਲੱਭਣੇ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਲੱਭਣੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਲੈਂਜਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਅਭੀ ਆਪ ਯਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ TRP ਮੇਂ ਆਏ ਹੈਂ, ਕੈਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਕੇ, ਕੈਸਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕਾ ਆਪਕੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਹਮੇਂ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਯਹ ਹੈ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਐਂਡ ਰਿਨੌਂਡ ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਐਕਟਰ ਆਫ ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵੀਟ ਸਾ ਅਪੀਲਿੰਗ ਸਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆ ਯਹਾਂ ਕੇ ਵਿਵਰਸ ਕੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਔਨ 23rd August, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮੂਵੀ ਆਪਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਅਭੀ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਨੇ ਕੋ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਈਏ 23rd August ਕੋ ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਕੀਜੀਏ ਇਸ ਮੂਵੀ ਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਕੇ ਸਾਥ, ਸ਼ਿਪਰਾ ਪਸਰੀਜਾ, ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ TV।